हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको छत्तीसगढ़ आरक्षण से जुड़ी अपडेट, विभिन्न प्रकार की नौकरियों से जुड़ी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के संबंध में भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या बातें कही है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहे हैं। आज दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से फिर वहाँ से चकरभाटा एयरपोर्ट से आके सरगांव में जो भरोसा का सम्मेलन जो हो रहा है उसमें शामिल होंगे। आज दिल्ली में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे राहुल गांधी जी, गहलोत जी, वेणुगोपाल जी सब एड्रेस करेंगे, उसमें मैं भी रहूँगा। अभी जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में मौन साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन वर्गों की उपेक्षा की है, इनके बीच में भेद डालने का काम किया है और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम हैं वो केवल दिखावटी है, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और सीधा सीधा अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए कि उनके संबंध उनके नेताओं से क्या रहे हैं। राहुल जी ने जो सवाल पूछे कि कितने बार उनके साथ विदेशी यात्रा की है, सेल कंपनी के रूप किस प्रकार से पैसे। तो अभी आपने देखा साथियों, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरक्षण पर गोल मटोल जवाब दिया है। जी हां साथियों, अभी तक स्वयं सरकार द्वारा भी आरक्षण को लेकर स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, बेरोजगारों के साथ क्या होने वाला है, क्या होगा आरक्षण का प्रतिशत, क्या होगा आरक्षण में रुका हुआ भर्ती का, कुछ भी कह पाना मुश्किल लगता है साथियों। खैर, जो भी होगी सरकार के ऊपर ही है कि सरकार क्या फैसले लेता है, सरकार बेरोजगारों के हितों के लिए क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।